हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात का क्वेश्चन लाया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन को ए बी सी में 4:3, 3:6 के अनुपात में बांटा गया, तो यदि सी को ए से 500 रुपये अधिक प्राप्त हुआ तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले ए का निकालते हैं दोस्तों। ए अनुपात बी अनुपात सी रेशियो हो गया। फिर हमें इसमें क्या करना है कि तीनों का लिख देते हैं, पहले 4, फिर 3, फिर 6। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए कि इसमें पूछ रहा है, यदि सी को ए से 500 रुपये अधिक प्राप्त हुआ तो बी का हिस्सा क्या हुआ। तो आप ये देख सकते हैं सी और ये दोनों में अंतर कितना है, अंतर 2 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 का अंतर है, तो 2 अंतर कितना, और ये ए पहुँच रहा है 500, यानी ए और सी का अंतर है 2। ठीक, अंतर 2 है दोस्तों। ठीक, तो आप इसे सॉल्व करिए। अब फिर इसका बी का हिस्सा कितना हुआ, तो फिर ये दोनों का अंतर इतना हुआ और बी का हिस्सा 3। ठीक, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 500 और पूछ रहा है दोनों का पहले अंतर, तो अंतर कितना है दोनों का, 2, और फिर बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो ये यहाँ से कट गया 25 दूनी 50, और यहाँ पर हो गया ये 25 या 75, 100। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 407 रुपये को ए बी सी तथा में 1/4 पॉइंट अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया है तो ए का हिस्सा बताएं कितना होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करने के लिए पहले पूछ रहा है ए, सबका अनुपात को पहले निकाल दे, बी और ये सी। ठीक है, तो 1/4, 1/5 और 1/6। ठीक है दोस्तों, सभी निकाल देते हैं, फिर सबका एलसीएम ले लेते हैं। पहले 4, 5, 6, और ये 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 3 6। ठीक है दोस्तों, फिर ये हो गया, देखिए आप सेम है, तो आप इसको करिए 2 × 2 × 5 × 3, ये 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम 16 हो गया दोस्तों, तो आप इसे यहाँ पर कर सकते हैं कि कितना हो गया, तो 60 का कितना होगा, 4 3 ये हो गया 15, और ये हो गया 12, 12 25 60, और ये हो गया 10 चौक 60। ठीक, 60, अब इन सभी को ऐड करिए, 37/60 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तब आप एलसीएम छोड़िए और यहाँ पर सॉल्व करिए। अगर ये 37 है तो फिर पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होता है, ए 1/4 है। ठीक, यानी 15 इसका, ए यानी 15, 15 हो गया दोस्तों। अब आप इसे 15/407/37 × 15। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसे काटिए, कितना 37 का एक बार में 37, फिर हो गया ये 3, और फिर 37 का ये हो गया, फिर ये हो गया 3, और फिर एक बार में ये हो गया 15 × 11 इक्वल टू 165 रुपीज आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, यदि
ए की रकम 800 रुपया है तो सी की रकम बताएं। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिए। तो ए बी के रकम का 3:4:5 है, ठीक। तो आप ए के करिए पहले, ए का अनुपात को, फिर बी के अनुपात को, फिर सी, तीनों को पहले निकालिए। फिर क्या करा, ए बी 4:5, फिर बी सी 2:3, ठीक है। सभी को करना है पहले हमें, तो ये आप देखिए, ये 2 को 4 से करें गुना, ठीक। फिर यहाँ पर ये 5 को 2 से गुना किया जाए, और फिर 5 को यहाँ पर 3 से गुना करिए। तो आप देखिए, 4 दुनी 8, 5 दुनी 10, 5 15। फिर पूछ रहा क्या दोस्तों, ए की रकम 800 रुपया है तो सी की रकम बताएं कितना होगा। तो ए की रकम 800 रुपया है, तो ए कितना है, यानी ए 800 रुपया है, ठीक है, 800। और ए का रकम, रकम लिख देता हूँ दोस्तों, रकम, ए रकम, ए रकम का 8, ठीक है। तो आप ये करिए सॉल्व, और फिर पूछ रहा है कि इसका सी का, सी कितना है, 5, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर सी है, तो सी को आप सॉल्व करिए। चलिए, 800, ठीक है दोस्तों, गुने 15/5, ठीक है। तो 5 तिया 15, तो ये हो गया 8 तिया 24, ठीक है। ये हो गिया 5 तिया 15 8 तिया 24, सॉरी सॉरी दोस्तों, ये 5 नहीं 8 है ना आपका, यहाँ पर 8 करना है, और ये रकम 8 है तो 100 होगा, 100, ठीक है। और ये हो गया 15, तो आपका 1500 हो जाएगा आंसर। 3 ये 15 सही है दोस्तों, 15, यानी 1500 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,